हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साहित्यकार, लेखक और कवि के ऊपर, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो आप लोग को सिलेबस में है उन्हीं के लेखक साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज देखने वाले हैं आज का हमारा तीसरा क्लास, जो कि साहित्यकार, लेखक और कवि के ऊपर है। वैसे आप लोग का दो क्लास ऑलरेडी करवाया जा चुका है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज ही जाके देख लीजिए, उससे आप लोग का बहुत बड़ा हेल्प होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। लास्ट ऑप्शन आता है सुमित्रा नंदन पंत। आप लोगों को बताना है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि पल्लव के रचयिता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो कौन है पल्लव के रचयिता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत ही यह प्रमुख रचना है पल्लव। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। ये क्वेश्चन का हम लोगों ने दो तीन बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑप्शन आता है आपका सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और फोर्थ में ऑप्शन आ जाता है गोविंद वल्लभ पंत। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जनमेजय का नागयज्ञ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है। ऑप्शन से कल्पलता, ऑप्शन टू कुटस, ऑप्शन थर्ड आलोक पर्व, फोर्थ है पृथ्वी पुत्र। तो आप लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा उनका निबंध नहीं है। यस, आंसर हो जाएगा फोर, पृथ्वी पुत्र उनकी निबंध नहीं है। वैसे कल्पलता भी है, कुटज भी है, आलोक पर्व भी है। आलोक पर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुटज भी, ये तीनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोग का हो सकता है इनडायरेक्टली आए, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर, यानी कि जो अर्धनारीश्वर रचना है किसकी है। दिनकर जी की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, फोर्थ महादेवी महादेवी वर्मा। तो किनकी अर्धनारीश्वर रचना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की अर्धनारीश्वर रचना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि आदत से अक्खर, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है। सूर, कबीर, तुलसी या फिर रसखान। किसे कहा गया कि वो आदत से अक्खर थे और स्वभाव से फक्कड़। सही आंसर ऑप्शन नंबर टू, कबीरदास। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। उनकी जो रचना कवितावली है किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में, ब्रज भाषा या फिर मैथिली या फिर जो बुंदेली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ब्रज भाषा। उनकी कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्री लाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। यस, बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर फोर सही होगा। ठलुआ क्लब किसकी है? तो बाबू गुलाब राय की। इतना याद रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाबू गुलाब राय की सबसे महत्वपूर्ण रचना ये ठलुआ क्लब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का हिंदी साहित्यकार और लेखक से है नहीं, ये एक्चुअली हिंदी भाषा से है। यहाँ पे आप लोगों को दो क्वेश्चन हिंदी भाषा से रखी हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो जो आप लोग का हिंदी बोली है तो कौन सी बोली को काशिका कहा जाता है, बैसवाड़ा, आड़ा यानी कि भोजपुर को, बनारस का या फिर मगध का। कहाँ की बोली को काशिका कहा जाता है? यस,
बनारस, ये मैंने आप लोग को वीडियो में बताया है क्या चीज़ की, जो बनारस का भाषा यानी कि जो बनारस को हम लोग काशी भी बोलते हैं ना, तो वहाँ की भाषा को हम लोग काशी का भी बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3, 4, 5, 8, ये पूछा जाए जो आपके 18 कुल बोलियाँ हैं उन बोलियों को कुल कितने वर्गों में रखा गया है, ये आप लोग को बताना है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्गों में रखी गई है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। इसका सही आंसर कबीरदास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास ही निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। निर्गुण में भी एक आ जाता है आप लोग ज्ञानाश्रय, एक प्रेमाश्रय, तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हो जाते हैं कबीरदास, वहीं जो प्रेमाश्रय हो जाते हैं वो हो जाते हैं जयसिंह। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरणी तनुजा तमाल तरवर बहुछावे प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, ये जो आप लोग का पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये मैंने स्पेशली इसको लेके आया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इम्पोर्टेंट लाइन है, तरणी तनुजा तमाल तरवर बहुछावे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ पे जावे वीर अनेक, ये कौन सी कविता की लाइन है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब ये बताइए कि इसकी रचयिता कौन हो जाते हैं, सत्यनारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हो जाती है, और ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी कविता की ये पंक्तियाँ हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। यस, ऑप्शन नंबर 3 मंगलसूत्र, यहाँ पे मिस्टेकली 4 हो गया है, किंतु ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उनके अधूरा उपन्यास। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। यस, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निराला को कैसा कभी माना जाता है, अवसरवादी, क्रांतिकारी या फिर पलायनवादी, नेक्स्ट आ जाता है कि भाग्यवादी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, क्रांतिकारी, निराला जी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के कवि माने जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि सूरदास के गुरु कौन है, रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु के नाम वल्लभाचार्य। साथ में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि जो यहाँ पे रामानंद ऑप्शन नंबर 1 है ये किनके गुरु हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, राहुल संस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र, नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक। यस, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है नाथ संप्रदाय। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक, ऑप्शन नंबर 1 अमृतलाल नागर, नरेंद्र कोहली, हजारी प्रसाद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर।
तो ऑप्शन नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाट। अब आता है अगला क्वेश्चन कि कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यहाँ पे मिस्टेकली अगेन सेकेंड हो गया, किंतु 3rd हो जाएगा आपका महाकाव्य है कमायनी, किसकी है तो जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, अज्ञेय, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। तो सही आंसर हो जाता है प्रेमचंद्र। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, 1483 ईस्वी में या फिर 1473 ईस्वी में, फोर्थ आ जाता है 1488 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1478 ईस्वी में। अब इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ पे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार देख लीजिए आप लोग हाईलाइटेड। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, तो आर्टिकल 343(1), याद रखिएगा हिंदी भारत की राजभाषा है, तो किस आर्टिकल के तहत, तो 343(1). अब देखेंगे अगला पॉइंट कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। मैथिली किस राज्य की भाषा है, तो बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, और द्वितीय कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा। अब आता है कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। अब आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाएं। इतना याद रखा गया कि कुल 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्जा दी गई है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आप लोग आसाम टेट में क्वेश्चन आया था, यामा, और कब मिला था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।